वाला कमरा तो क्लीन हो चुका, बस झाड़ू पोछा रह गया, वो मैं बाद में करूंगी। सबसे पहले मैं ये वाला कमरा भी संगवा दूं, क्योंकि बिस्तरे अभी ऐसे ही पड़े। मम्मी कह रही कि ना दरवाजा ये ड्यूटी मम्मी मेरे पे ही सौंप दे, अगला दरवाजा कड़वा दे, तो ही ना ये जो रिजाई बिस्तरे ये सारे धरवा दूं मैं इसमें संदूक में, क्योंकि अब तो गर्मी होगी, इनकी जरूरत नहीं है, वरना ये पड़े रहेंगे। लाओ मैं करवा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जी, लग गई हैं दोनों सास बहू करने में, और रुचि कर रही है बाहर की क्लीनिंग, बाहर वाले पोर्शन में पोचा वगैरह लगा रही थी, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, और शायद किचन का भी उसने सारा किया काम, तो टाइम तो लग ही जाता है। और इधर हम लग रहे थे साफ सफाई में, तो मैंने उसको बोल दिया, मैं तू इधर का कर ले, मैं उधर का कर लूंगी, अगर मैं उसके साथ लगी रहती फिर मेरे से ये नहीं हो पाता था, तो इस वजह से। तो यहाँ मैं और मम्मी दोनों लग रहे कर, तो मैं सारा अकेले भी लेती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा मम्मी की निगरानी में इसलिए करती हूँ, क्योंकि फिर इनको उठाना धरना होता है सारा काम, तो इनको भी पता होना चाहिए, कई बार मैं चीज ऐसी जगह ना रख दूँ कभी फिर इनको ना मिले। और पूछ के तो खैर सारा काम हम मम्मी को ही करते हैं, सारी की सभी बहुओं का यही है कि हम बिना मम्मी के पूछे कुछ भी काम नहीं करते, कहाँ क्या रखना है, क्या उठाना है, क्या धरना है, वो सब कुछ काम हम अपनी सास से ही पूछ के करते हैं। तो ये मेरे वाला संदूक है, ये सारा खाली पड़ा है, क्योंकि मेरे बिस्तरे वगैरह तो सारे शायद यूज ही हो गए, एक दो रिजाई वगैरह होगी इसमें। तो फिर मैं मम्मी को बोल रही थी, कुछ बिस्तरे मैंने अपने बेड में से निकाल लेते, मम्मी ने रखे होंगे, तो मैं वो भी ले आई थी निकाल के, ये तो ये भी मैंने यहीं पे रख दिया, मैं कहा ये खाली पड़ा इसमें रख लो, बिस्तरे संदूक में अच्छी तरीके से रखे जाते हैं, फिर बेड खोलने वगैरह में दिक्कत रहती है। और अब तो सर्दी चली गई, अब तो मतलब 7-8 महीने बाद यूज होंगे, तो मैं कहा चलो इसमें रख लो। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे बाहर वो सारे मैंने इसी में रख दिए हैं, और उसके बाद ये जो बेडशीट दतई वगैरह जितनी भी थी बाहर, जो भी कपड़े एक्स्ट्रा थे वो सारे मैंने इसमें लगा दिए, और बस संदूक कर दिया है बंद। और मैं सोच रही हूँ अगली बार अगर टाइम लगा तो मैं इनके कवर सील कर लगाऊंगी, क्योंकि बेडशीट ही डली हुई इनके ऊपर, पहले तो कवर सिले हुए थे इनके, लेकिन वो जब कलर पेंट हुए तब के उतरे हुए, वो खराब हो रहे थे बिल्कुल ही, तो टाइम बस इतना मिलता नहीं, क्योंकि 2-4 दिन के लिए आते हैं, उसी में ही साफ सफाई का भाग दौड़ का सारा काम इतना हो जाता है। और अभी हम मुश्किल से हम आए थे होली से 1 दिन पहले, मतलब कि सैटरडे को, और फिर देखो त्योहार भी था, सारी चीज थी, 2 दिन त्योहार थे, होली भी और होलिका दहन भी, तो यहाँ पे फिर उसी में ही बीच में काम भी साफ सफाई का, सरसों वगैरह का भी किया। तो 3 दिन हम गांव में रुके होली से, फिर अगले दिन कौन सा दिन था, हम शायद हाँ मंगलवार को हम यहाँ से फिर चल दिए थे, मतलब सैटरडे को आए और इसको ट्यूजडे को हम यहाँ से निकल गए, और ये ट्यूजडे वाले दिन की वीडियो है। तो यहाँ पे देखिये मैं बस जितना भी कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा कर सकूं, मगर जितनी भी हेल्प हो सके अपनी तरफ से इतना कर सकूं। तो यहाँ बस मैंने जो बिस्तरे रखने थे वो रख दिए बाहर संदूक के ऊपर, और वो जो चादर पड़ी थी वो अच्छे से झाड़ के बिछा दी। अब सारे ही संदूक हमारे चारों के यहीं पे ही रखे हैं, तो मैं सारों को ही झाड़ के, सारों की चादर सामान जो भी एक्स्ट्रा वो उठा के रख दूंगी, और ये सारी चादर झाड़ के लगा दूंगी। ये है एक टैंक जो पानी वाला होता है, लेकिन इसमें हम सामान रखते हैं, जैसा चावल हो गए, गेहूं हो गए, तो इसमें चावल थे और चावल इसमें थोड़े से ही बचे हुए थे, तो ये ऐसे ही रखे थे, तो मैंने सोचा ये जगह भी बहुत ज्यादा ले रही, और इसमें ज्यादा चावल भी नहीं थे, पहले मम्मी को था कि काफी सारे, लेकिन इसमें मुश्किल से 1 बाल्टी चावल निकले, तो फिर मैंने ये भी खाली करवा दिया, मगर इसे खाली करके साइड तो रख देंगे कम से कम, वरना तो इसमें जब तक चावल रहेंगे उसको साइड भी नहीं रख सकते, फिर ये खाली हो जाएगा, तो इसको बल्कि इसमें नीचे सुरसुरी सी चिपक रही थी, तो फिर मम्मी कहने लगी कि इसको बाहर रख दे, बाद में मैं धो दूंगी, जब पाइप वगैरह चलेगा धो के सुखा के फिर रख दूंगी उठा के। इसमें हम गेहूं या चावल ही रखते हैं, तो ये खत्म हो गए, तो ये मैंने जितने भी चावल थे इसमें खाली कर दिया, इसको कर दूंगी बाहर, जिससे कि बाद में बाहर धोया जाए। तो वही है, छोटे छोटे से काम संगवाने पड़ते हैं, वैसे तो यह है कि संगवाने से थोड़ा सा सेटिंग सी रहती है घर की। तो फिर बस 2 संदूक के ऊपर से तो मैंने चादर वगैरह झाड़ सेट कर दी थी, अब इधर भी 2 रह गए हैं, और इनको भी अच्छी तरीके से झाड़ के सेट कर दूंगी। तो यहाँ पे बस वही चादर बिछाते हुए ना मेरा हाथ नहीं जा पा रहा था पीछे तक, तो मैं गई थी शायद डंडा लेने, जिससे कि मैं अच्छी तरीके से इनको सेट कर सकूं, पीछे तक चली जाए जिससे धूल मिट्टी ना गिरे। धोने का तो टाइम नहीं है मेरे पास कि ये बेडशीट वगैरह धो दूं, इतना टाइम तो अब है नहीं। तो आज ही मैंने जैसा बोला कि ये ट्यूजडे की वीडियो, और उसी दिन हमें निकलना था, तो मुझे यही था कि जल्दी से जल्दी जितना भी काम, अभी मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी थी अपनी, मगर ये कर लूँ। तो यहाँ बस थोड़ा सा
जो भी सामान था रद्दी वगैरह का, काफ़ी सारे किताबें कुतुब्बे सी भी पड़ी थी, मैं कहा चलो इनको भी रख दूँ। और उधर सारा जो भी बाल्टी थी या गट्टे थे, कुछ कपड़े एक्स्ट्रा, मच्छरदानी वगैरह भी निकालनी थी मम्मी को, तो वो भी हमने देख के निकाल लिया है। जो ठीक थी वो मैंने निकाल दी, जो खराब थी मैंने मम्मी को बोल दिया, मैंने कहा इनको घेर देना, कुछ का जैसा यूज हो जाएंगे कपड़े वगैरह, जैसा कुछ फैलाने के, मैं कहा इनको घेर दो, फिर ये है कि भरा रहता है अगर। और यहाँ पे देखे सारे संदूक बिल्कुल अच्छे से झाड़ के चद्दर वगैरह उनकी सेट कर दी, और जो बाल्टी में सामान है वो मैंने लगा दिया है साइड, और बस इसको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें कर दूंगी सेट। और ये गट्टे हैं, ये खेत में जो खाद वगैरह यूज किए जाते हैं उनके इकट्ठे हो जाते हैं ये, तो ये भी सारे जगह जगह कोई दो कट्टे कोई चार कट्टे ऐसे फैले पड़े थे, तो ये भी मैंने सारे इकट्ठे कर लिए। कुछ दूसरे रूम में मेरे बेडरूम में भी पड़े थे काफ़ी सारे, तो वहाँ से मैंने उठा लिए, तो ये मैंने इकट्ठे कर दिए। मम्मी कह रही कि इनको भी बांध के रख देंगे ऊपर वाले कमरे में जहाँ हमने सरसों रखी थी, तो यहाँ पे इनको सारों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जो भी एक्स्ट्रा थे, क्योंकि ये जगह जगह फैले हुए फिर अच्छे नहीं लगते, और बांध के बस रख आएंगे इनको ऊपर छत पे। तो यहाँ बस इसके बाद आ गई है बारी झाड़ू लगाने की, सारा संगवा दिया, बस ये गेहूं रह गए। गेहूं अभी मम्मी को निकालने हैं हमारे लिए, हम लेके जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये नहीं हटाई, वरना इनको भी उठा देती है। और इधर बस थोड़ा सा झाड़ पूछ सी का सेटिंग तो हो ही गई है पूरे रूम की, उसके बाद लगा दूंगी झाड़ू। और ये मेरे वाला रूम, इसमें मैंने पहले आपको दिखाया था कि साफ सफाई हो चुकी है, झाड़ू मैंने लगाई नहीं थी क्योंकि उधर मैं मम्मी के साथ करवाने लगी थी काम, तो इधर भी बस इस वाले रूम में भी झाड़ू लगा दूंगी। और ये खाट पड़ी, मैं बोल भी रही थी मम्मी को निकाल दूँ, इसे कह रही कि नहीं रहने दे, कोई लेट जाए यहाँ पे या फिर कुछ सामान रखना पड़ जाए, तो उन्होंने ना कर दी। फिर मैंने अभी नहीं उठाई, मैं कहा चलो भाई जब इन्हें रहना इनके हिसाब से हो जाए काम तो और अच्छी बात है, क्योंकि जब हम अपने आप रहते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं फिर काम को, लेकिन जब इनको ही ना ही है थोड़ी सी सेटिंग तो कर देते हैं, लेकिन अपने इनके हिसाब से ही रहे कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखे और भी कट्टे निकल गए उस वाले रूम में से, और मैं मम्मी कह रही मका ये रह गए, और मैं ऊपर रखी आई थी गठड़ी बांध के सारी, लेकिन इनको फिर मुझे और बांधने पड़ेंगे। और यहाँ ये कपड़े सारे जितने ही है, कुछ हमने रुचि का कमरा साफ करा था उसमें से निकले थे, कुछ मम्मी के निकले जो अभी मैंने निकाले खराब है मतलब बिना पहनने के, तो ये सारे बांध के इकट्ठे कर देंगे। और मैं कह भी रही थी मम्मी को, मक्का किसी को दे देना, मम्मी कह रही कि अब कोई भी नहीं आता लेने, पहले तो सब ले लेते, अब तो जो खेत में काम करते हैं वो तो भले ही ले लो पैंट शर्ट वगैरह, लेकिन बाकी कोई नहीं लेता, तो फिर ये बांध कर दर देंगी, देख पता नहीं क्या करेंगी मुझे तो नहीं पता। तो दो तीन गठड़ी होगी थी काफ़ी सारी इनकी बंधी हुई, तो जो सामने वाला कमरा वो अभी मैंने नहीं कर पाई मैं उसको सेट, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था और उसमें सामान भी बहुत था, फिर मुझे धरने की भी नहीं मिल रही थी कि मैं कहाँ धरूँ अकेले, और थक भी गए थे मम्मी भी और मैं भी, फिर हमें खाने की तैयारी भी करनी थी, खाना खा के निकलना हमें, तो इस वजह से तो सामने वाला नहीं हुआ रूम। बाकी जो भी सारा सामान था मैंने सामने वाले कमरे में रख दिया जो भी था। और ये थे अखबार बहुत सारे, दो तीन बैग में हो रहे थे, तो ये भी मैंने निकाल के मतलब एक ही जगह कर दिए, बहुत सारे अखबार हो रहे थे, जैसे मैं भेज दूँ ना पिंजौर से तो वे इकट्ठे हो रहे थे, तो वे कई जगह थे मैंने एक जगह कर दिए, मका यूज हो जाएंगे एक जगह से, ये है जगह जगह नहीं फिरने के। और ये देखे दो गठरी मैं बांध कर रखी आई हूँ अंदर कमरे में, खाट पे अंदर पड़ी, मम्मी कहती कि इनको फिर ले जाऊंगी घेर घर में, जैसा वो हो रहा ना भरे वहां डाल देते हैं फिर, या फिर किसी को दे देंगी जैसा, तो इनको बाद में एक जगह ही रख दे, फिर मैं लेती जाऊंगी ट्रैक्टर में रख के। तो यहाँ पे देखे मैंने सारे रख दिए जो भी मम्मी ने कहा, अंदर सारा सामान लगभग उठा ही दिया, और बहुत सारे खिलौने वगैरह भी पड़े थे बच्चों के, वो भी भर दिए एक थैले में, क्योंकि वो खराब ही हो रहे थे सारे। तो उसके बाद ये मशीन रखी थी, ये भी सामने ही रखी थी, मेरे गर्दा लगे इस पर, तो मैंने ये भी ऊपर अंदर उठा के रख दी, चलाता तो कोई है नहीं लेकिन मैं यहाँ पे धूल ही लगती है बाहर, इसको अंदर रख दूँ, जो यूज करनी होगी वहीं से ही कर लेना। तो फिर अब मैं उठाऊंगी ये सामने वाला बेड, बेड क्या ये तकत सा पड़ा, इसको डाल लूंगी अंदर कमरे में,
क्योंकि यहाँ पर ना सामने जैसा कुछ भी चीज़ पड़ी रहती है, फिर ये भी होता है कि इसके ऊपर ही सामान रखते चले जाते हैं, रखते चले जाते हैं, तो वो पूरा भरा सा लगता है और अच्छा नहीं लगता। एक तो सामने ही है, फिर दूर से दिखाई देता है, और हमारा घर जो है वो बिल्कुल लंबा है और सामने मेन गेट खोलते ही यहाँ तक दिखता है। तो इस वजह से मैं कह रही थी, मैं कह ये बेड मैं उठा दूँ, पहले तो मम्मी ना कर रही थी कि रहने दे, फिर मैं कहने लगी चल रख दे, मैं कहा अगर आपको रखना भी, क्योंकि वो सामने वाला कमरा तो खाली है तो उसमें रख दूंगी, अभी आपको अगर रखना कुछ सामान इसके ऊपर तो अंदर ही रख देना। और ये दीवान भी खराब हो रहा है, ये मम्मी का ही दीवान है, ये बिल्कुल खराब हो रहा, तो इसको भी हमें मकर इसे दूसरा बनवाएंगे। ये बनवाने के लिए तो है नहीं, इसको चेंज ही करना पड़ेगा क्योंकि ये खराब ज्यादा हो रहा। मिस्त्री को दिखाया था तो मैंने कहते कि ये अब कामयाब नहीं रहा, एक दो बार पहले भी ये ठीक ही करवाया हुआ तो खराब ज्यादा हो रहा। तो इसकी चादर वगैरह मैंने झाड़ दी, यहाँ पे लेटते बैठते तो है नहीं कोई, बस ये है सामान रख देते हैं। तो वो जो सामने वाला तख्त है वो हो गया खाली, बिल्कुल खाली कर लिया। रुचि को मैंने बुला ली, मैं कहा बब्बो इसे अंदर करवा दे, तो दोनों बहनों ने कर दिया है अंदर, वो तख्त सेट कर दिया। यह है कि अगर अंदर सामान डलेगा तो इतना दिखने का नहीं, उसके ऊपर रखा रहेगा बाहर से ज़्यादा दिखेगा, तो वो मैंने वहाँ पे रखवा दिया। अब बस सारा ही कमरा सारा यहाँ पे भी खाली हो गया, देखे कितना भरा हुआ था, बिल्कुल खाली कर दिया मैंने सारा। और अब बस झाड़ू लगा दूंगी, मम्मी पता नहीं कुछ सरसों के दाने या कुछ खिंड रहे थे तो वो कर लिया साहब, और उधर से मैं ले आई हूँ झाड़ू लगा के। तो अब ये इधर मैं झाड़ू लगा के बिल्कुल अच्छे से साफ कर दूंगी। पोचा लगाने का मेरे पास टाइम नहीं रहा था तो लगाया नहीं, तो कल रुचि अपने आप लगा लगी। अभी तो उसने बाहर वाले में तो लगा दिया, बस कल लग जाएगा। मैं कहा चलो कोई नहीं, अभी सफाई तो हो ही गई, पोचा तो लगभग रुचि रोज ही लगा देती है, तो अभी मैं कहा बाद में लग जाएगा। तो यहाँ सारे घर में लगा दी झाड़ू, और अब कोशिश कर रही हूँ कि सारा कुछ अच्छे से कर पाऊँ। आप भी कमेंट करके बताना कि जो मैंने अपने घर की क्लीनिंग की है न्यू वाले की, न्यू घर है हमारा, तो वो आपको कैसी लगी। तो ये वाला जो मेरा बेडरूम है ये हो गया है बिल्कुल बढ़िया, क्लीन कर दिया मैंने। और इधर ये ड्रेसिंग भी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो करी नहीं, ये है कि संगवासी दिया, गर्दा धूल मिट्टी सी जो थी वो कर दिया साफ, और थोड़ा सा सामान सेट कर दिया। अलमीरा में मैंने मम्मी के लगा दिया, नीचे वाले में तो मेरे हैं ही, वो सही थे पहले ही। और ये खाट मैं उठाऊ भी थी लेकिन मम्मी ने उठाने दी नहीं दी, कह रही कि नहीं रहने दे इसे, लौट जाओ इस पर या कुछ सामान रखना पड़ जा, तो इसलिए फिर मैंने नहीं उठाई। तो ये वाला कमरा मेरा हो गया क्लीन। और अब ये वाला दिखा दूँ आपको, देख तो लिया ही आपने, ये देखिए ये भी मैंने बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया, इसमें जो सामान था वो लगा दिया सेट करके। इधर ये जो बिस्तरे थे वो रख दिए पेटी में, और जो अभी यूज करने के जो लेते हैं वो मैंने बाहर रख दिए, एक रिजाई रख दी क्योंकि कई बार ठंड सी हो जा। तो यहाँ भी झाड़ू झूड़ू बढ़िया तरह लगा के, ये चादर वगैरह सारी संदूक झाड़ के कर दिए साफ, और बाहर वाला ये भी कर दिया। बस रह गया है ये कमरा जो सामने वाला, ये नहीं करा क्योंकि मेरा टाइम नहीं है, अभी थक गए, खाना खुना भी बनाएंगे, इस वजह से इसे बाद में देखूंगी, अगर टाइम मिला तो करूंगी, वरना तो आज हमें निकलना भी है इस वजह से, तो मैं मुश्किल ही है। झाड़ू तो मैंने लगा दी इसमें लेकिन अच्छे से संगवाया नहीं गया अभी मेरे से, और मम्मी कह रही कि रहने दे मैं बाद में कर लूँगी मैं रुचि मिलकर, तो इस वजह से मुझे देर होने लग रही, वरना मैं इसे भी कर दूंगी, कर देती, टाइम कम है हमारे पास इसलिए। और यहाँ वाला एरिया तो खैर पूरा अच्छे से कर दिया क्लीन, दिखा दूँ इधर से, ये देखिए ये वो जो तकत सा पड़ा था वो मैंने अंदर रख दिया, उस पर ना मम्मी सारा सामान लाद कर गिर गया, जो भी देखेगी वो उसी पर दर्द है, फिर इस वजह से मैंने उठा दिया। बस ये है दीवान, यहाँ पे इसमें तो सामान है तो कर दिया। ये टंकी बाहर निकलेगी, ये धोई जाएगी, खाली हो गया, इसे मैंने निकाल दिया बाहर रख के, मम्मी ने कह रही अभी आज तो मौसम खराब है, कल धो के इसे सुखा दूंगी, फिर इसको अंदर ही रख देंगे, इसमें जो भी डालना होगा चावल गेहूँ वगैरह वो डाल लेंगे। तो जी यहाँ की क्लीनिंग हो गई है हमारे नए वाले घर की, टाइम कम है मेरे पास क्योंकि 2-3 दिन ही हम रहे, और उसमें कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ सारा जितना भी हो सके। देखिए ये भी काम जरूरी है, और फिर खाने पीने का काम भी जरूरी है, फिर मुझे वीडियो वगैरह का एडिट का भी करना होता है, तो इस वजह से टाइम इतना नहीं मिल रहा, और जितना भी मिल रहा है उसमें कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकूँ। तो बस आज की वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।